श्री सदगुरुवे बाबा श्री मस्त रामाय नमः। तो सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। प्रारंभ में मैं बाबा मस्तराम जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि 1981 में तो बाबा जी के मुझे दर्शन हुए 1981 में, और उस समय मुझे विज्ञान भिक्षु में बहुत ही अधिक रुचि थी। पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए मैंने यूजीसी से प्रोजेक्ट भी लिया था, तो विज्ञान भिक्षु पर मैंने काम किया और बाबा जी के सामने उसकी बात की, तो बाबा जी ने उस अविभागा द्वैत को रिजेक्ट करके मुझे शंकराचार्य की तरफ मोड़ दिया। तो शंकराचार्य यानी 1983 में ये बात हुई थी, और उसके बाद से फिर भगवत्पाद शंकराचार्य जी के ग्रंथों को मैं पढ़ने लगा। तो अब मैं ये प्रारंभ कर रहा हूं कि पहले, जिससे पहले कि हम ये शुरू करें, भामति प्रस्थान और विवरण प्रस्थान में क्या भेद है इसकी बात कर लेते हैं। विवरण प्रस्थान के प्रवर्तक थे प्रकाशात्मक, जिन्होंने पद्माचार्य द्वारा रचित पंचपादिका के ऊपर ये टीका की, और उस टीका के ऊपर बहुत अच्छी और टीका है अखंडानंद सरस्वती की, जिसका नाम है तत्व दीपन। तो पंचपादिका आचार्य या पद्माचार्य 800 एडी में थे, प्रकाशात्मन का समय 1200 एडी है, और तत्व दीपन अखंडानंद सरस्वती जी का समय 1400 एडी है। भामती प्रस्थान तो वाचस्पति मिश्र के द्वारा, इनका समय है 841 एडी। भामती के ऊपर वेदांत कल्प करु बहुत ही उत्तम कोटि की टीका है, जो 1300 एडी में हुए थे अमलानंद, और उसके ऊपर अप्य दीक्षित 1600 एडी में, जिन्होंने कल्प तरु परिमल की रचना की। एक और टीका है जो कल्प तरु परिमल का काफी खंडन भी करती है, इस टीका का नाम है आभोग, जो लक्ष्मी नृसिंह ने लिखी 1700 एडी में। वाचस्पति एक बहुत ही प्रकांड पंडित थे सब दर्शनों के, वो इससे पता लग जाता है कि वाचस्पति ने किस किस दर्शन के ऊपर टीकाएं लिखी। तो वाचस्पति की कृतियों में न्यायकर्णिका मंडन मिश्र के विधि विवेक पर थी, और मंडन मिश्र की जो ब्रह्म सिद्धि है उस पर ब्रह्म तत्व समीक्षा उन्होंने लिखी। तत्व बिंदु ग्रंथ मीमांसा का है, जिसमें लैंग्वेज फिलॉसफी को लेकर के उन्होंने बात की, और उद्योत करके न्यायवार्तिक पर उन्होंने न्याय तात्पर्य टीका, सांख्य तत्व कौमदी सांख्य दर्शन पर, और योग दर्शन पर तत्व वैशारदी। एक इनका न्याय सूची निबंधन ग्रंथ भी है। इन दोनों प्रस्थानों में भेद भी है, और उस भेद के चार पांच बिंदु हम समझ लेते हैं। विवरण प्रस्थान प्रतिबिंबवाद का समर्थक है, उनका कहना है कि जो शुद्ध चित है उसका अज्ञान में प्रतिबिंब होता है, और उसके बाद पूरी सृष्टि की रचना होती है। इसी को लेकर के पंचदशी में जो जीव की उन्होंने परिभाषा की, पंचदशिकार ने, वो अधिष्ठान चैतन्य प्लस लिंग देह और लिंग देह में प्रतिबिंबित चैतन्य, इन तीनों तीनों को मिलाकर के अधिष्ठान चैतन्य लिंग देह, लिंग देह का मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में प्रतिबिंब चैतन्य, तीनों को सम्मिलित करके जीव की संज्ञा दी पंचदशिकार। और वाचस्पति मिश्र का मत है अवच्छेदवाद,
उनका कहना है कि अविद्या से अवचिन्न चैतन्य ही जीव है, अविद्या से अवचिन्न चैतन्य ही जीव है। तीसरा मत है सुरेश्वर का, सुरेश्वर भी प्रतिबिंबवाद के समर्थक थे लेकिन उनके दर्शन का नाम है आभासवाद। आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में यही अंतर है केवल कि विवरण में प्रतिबिंब और बिंब को आइडेंटिकल माना गया। सुरेश्वर प्रतिबिंब को आइडेंटिकल नहीं मानते, सुरेश्वर प्रतिबिंब को अनरियल मानते। जो अविद्या का लोकस है वो वाचस्पति के अनुसार जीव है। वाचस्पति कहते हैं कि भाई जीवाधिकरण विद्या अविद्या है, यानी जीव अविद्या का आश्रय है। और जो ब्रह्म है ना वो विषयतः आश्रय है, अविद्या का विषय ब्रह्म है परंतु अविद्या का आश्रय जीव है वाचस्पति के सिद्धांत के अनुसार। वो ये कहते भी हैं जीवाधिकरणाप्यविद्या जीवाधिकरणाप्यविद्या निमित्ततया विषयतया च ईश्वरम आश्रयते इति ईश्वर आश्रय इत्युच्यते। यानी कि ईश्वर आश्रय भी मान ली परंतु विषयतया मानी, विषयतया। फिर देखिए जीवाधिकरणाप्यविद्या निमित्ततया विषयतया च ईश्वरम आश्रयते इति ईश्वर आश्रया इत्युच्यते न तु आधारतया। आधारतया यानी आधार नहीं है ब्रह्म जीव के, आधार तो जीव ही है। क्यों उसके लिए वो एक युक्ति देते हैं, विद्या स्वभावे ब्रह्मणि तद अनुपपत्ते। क्योंकि ब्रह्म विद्या स्वभाव है, ब्रह्म का विद्या स्वभाव है यानी उसमें विद्या ही है, उसमें कोई अविद्या नहीं रह सकती। इसलिए ब्रह्म में तद अनुपत्ति माने विद्या अनुपत्ति, ब्रह्म में विद्या नहीं रह सकती। और प्रपंच का भी वो इसी तरीके से ब्रह्म को उपादान मानते हैं और कहते हैं यथा ही ब्रह्मो रज्जुपादान, यथा अहि ब्रह्मो रज्जुपादान एवं प्रपंच विभ्रम ईश्वरोपादान। जैसे सर्प का भ्रम रज्जु का ज्ञान उसका उपादान है, ठीक इसी प्रकार से जो प्रपंच सारा है उसके उपादान ईश्वर है लेकिन ईश्वर उपादान अविद्या सहित है। तभी आगे वो कहते हैं अविद्या सहित ब्रह्मोपादानम जगत, अविद्या सहित ब्रह्मोपादानम जगत ब्रह्मण्येवास्ति तत्रैव लीयते। ब्रह्म में ये सारा जगत है और वहीं वो लीन हो जाता है। एक तो लेकिन विवरणकार शुद्ध ब्रह्म को आश्रय मानते हैं। और उनका संक्षेप शारीरिक में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। यानी निर्विभाग चिति माने शुद्ध चैतन्य आश्रयत्व का भजन करता माने आश्रय है और शुद्ध चैतन्य ही विषय भी है। इसका मतलब अविद्या का आश्रय तथा विषय दोनों ब्रह्म है। और वाचस्पति के मत में क्या था कि जीव उसका आश्रय है परंतु अविद्या का विषय ब्रह्म है, ये दोनों में फर्क हुआ। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, निर्विभाग चिति यानी शुद्ध ब्रह्म शुद्ध चैतन्य
आश्रय और विषय होता है अविद्या का या अज्ञान का। क्यों? उसके लिए वो युक्ति दे रहे हैं, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। पूर्व सिद्ध तमसो का मतलब है कि जो अज्ञान तो अनादि है, पहले से ही सिद्ध है। वो जो अज्ञान पूर्व सिद्ध है उसका पश्चिम, पश्चिम माने जीव, जो अविद्या, अविद्या की उपाधि से या अविद्या को अवच्छेद के छेदक के रूप में ले, उससे जीव बनता है। यानी जीव की सत्ता तब होती है जब वो अविद्या विशिष्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको कहा पश्चिम। पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम माने जीव, जो पहले से सिद्ध है अज्ञान अविद्या, नाश्रयो भवती, वो आश्रय भी नहीं बनता, ना पे गोचर और विषय भी नहीं। यानी पूर्व सिद्ध तमसो, पूर्व सिद्ध तम माने अविद्या का जीव आश्रय नहीं हो सकता, ये विवरणकार का मत। एक दो पॉइंट हो गए ना, प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद और साथ में लोकस ऑफ अविद्या, इन दोनों पर दोनों के मत भिन्न है। तीसरी बात यह है कि वाचस्पति श्रवण विधि नहीं मानते, वो कहते हैं कि नापि शाब्द बोधे विधि, क्यों नहीं अधीत वेद यानी स्वाध्याय विधि से वेद का अध्ययन हो गया, फिर उसमें विधि मानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु विवरणकार श्रवण विधि मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो श्रवण विधि है ये नियम विधि है और मनन और निधिध्यासन इसके अंग है। श्रवण विधि नियम विधि है और मनन और निधिध्यासन इसके अंग है। ये भी वाचस्पति और विवरण में बहुत बड़ा अंतर है कि वो विधि मानते ही नहीं, यानी श्रवण विधि मानते ही नहीं और विवरणकार श्रवण विधि मानते हैं। और एक और उसमें अंतर है, ये श्रवण विधि को मानने न मानने में ये एक बहुत बड़ा पेच है कि विवरणकार ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति का जो साधन है ना, वो मानते हैं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य को, यानी शब्द प्रमाण से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, यानी सब ब्रह्म साक्षात्कार में शब्द प्रमाण है, उसमें साधन है। जैसे पंचदशी कार भी कहते हैं वाक्यम, यानी वाक्य का मतलब गुरु से सुना हुआ वाक्य, वाक्यम अप्रतिबद्धम सत प्राक परोक्षावभासिते करामलक वद बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। वाक्य गुरुमुख से सुना हुआ वाक्य अप्रतिबद्धम सत, कर्म और वासनाओं से प्रतिबंध रहित होकर, कर्म की वासना और कर्म और कर्म की वासना इन ये प्रतिबंध हैं ब्रह्म साक्षात्कार में। जब गुरु के मुख से वो तत्वों में से इत्यादि वाक्य सुनता है साधक, तब वो इस प्रतिबंध से मुक्त हो जाता है। तब फिर परोक्षावभासिते, जो पहले परोक्ष ज्ञान था तत्वमसि इत्यादि वाक्य, जो परोक्ष ज्ञान था गुरु के मुख से सुनने के बाद उसकी कर्म वासनाएं इत्यादि समाप्त हो जाती हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक हैं। फिर उसी वाक्य से जब ये सब प्रतिबंध हट जाते हैं तो वाक्यम बोधम अपरोक्षम प्रसूयते, यही वाक्य जो गुरु मुख से सुना हुआ वाक्य है वो अपरोक्ष बोध यानी अपरोक्ष ज्ञान प्रसूयते माने उत्पन्न कर देता है। और उसको कैसे ज्ञान हो जाता है? जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला करामलक वत। इसके विपरीत
वाचस्पति तो केवल ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो जो ब्रह्म साक्षात्कार में साधन है ना वो अंतःकरण है, और अंतःकरण कर्म इत्यादि करने से और उपासना इत्यादि करने से जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो वो शुद्ध अंतःकरण ही ब्रह्म साक्षात्कार को उत्पन्न करता है, यानी ब्रह्म साक्षात्कार दे देता है। और उसके लिए वो गांधर्व शास्त्र का उदाहरण देते हैं कि जैसे जो संगीत सीख रहा है व्यक्ति, और उसके साथ जब वो संगीत का अभ्यास करता है, रियाज करता है, स्वरों की साधना करता है, तो स्वरों की साधना कर करके वो इतना सिद्ध हो जाता है कि वो ये पहचान लेता है कि भाई कौन सा कोमल ऋषभ है, यानी रागों की जो पहचान होती है। तो गांधर्व शास्त्र में, गांधर्व शास्त्र से का जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है और उसका अंतःकरण जैसे ऐसे योग्यता प्राप्त कर लेता है कि वो स्वरों की पहचान कर लेता है, जब भी कोई राग गाया जा रहा है तो उसमें भाई कोमल ऋषभ कौन सा है, कोमल गांधार कौन सा है इत्यादि, ये वो पहचान लेता है। ठीक इसी प्रकार जब अंतःकरण ध्यान समाधि इत्यादि से अत्यंत शुद्ध हो जाता है, सुनने के बाद जब वो मनन करता है, मनन के बाद जो निधिध्यासन करता है, और निधिध्यासन करने के बाद उसके अंतःकरण में ऐसी योग्यता आ जाती है कि उसको ब्रह्म की साक्षात्कार वृत्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार देखो ये जो भेद है विवरण के और भामती के, ये दो तीन आपको बताए ना, इसके बाद जब कुछ और आप पूछेंगे तो देख लेंगे। इसके बाद आपका ये अध्यास भाष्य शुरू होता है। इस अध्यास भाष्य को उपोद्घात कहते हैं। उपोद्घात में और प्रतिपादन में पंचपादिका कार ने भेद बताया है। उपोद्घात में जो प्रतिपाद्य अर्थ होता है उसको पहले हम बुद्धि में संग्रहित कर लेते हैं। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य प्राग एव, प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य प्राग एव। प्रकृति में हम ये मान सकते हैं कि जब भगवत्पाद शंकराचार्य ब्रह्म सूत्रों के ऊपर भाष्य की रचना की, जब उन्होंने निर्णय किया या सोचा, तो पहले उनके उन्होंने कहा ना ब्रह्म सूत्र पर मुझे व्याख्या करनी है, ब्रह्म सूत्र पर मुझे भाष्य लिखना है, तो पहले बुद्धि में उन्होंने सोच लिया। उसके लिए यानी कि उसकी सार्थकता बनाने के लिए, यानी कि ये भाष्य इस पर मैं लिखूंगा और लोग इसको ग्रहण करें और इसकी ओर इनका ध्यान हो, इसके लिए उन्होंने अध्यास भाष्य की रचना की। इसका मतलब अध्यास भाष्य जो है वह ब्रह्मसूत्र, शंकर ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिख रहे थे शंकराचार्य, उसकी उपयोगिता या उसका औपपत्तिकत्व साबित सिद्ध करने के लिए उन्होंने अध्यास भाष्य की रचना की। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य, प्रतिपाद्य अर्थ को बुद्धि में पहले संग्रहित करके तदर्थम, तदर्थम माने वो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखने जा रहे हैं उसके लिए अर्थांतर वर्णनम, अर्थांतर वर्णन का मतलब है कि अध्यास क्या है इसका वर्णन किया उन्होंने अध्यास भाष्य में, यही उपोद्घात होता है। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य प्राग एव तदर्थम अर्थांतर वर्णनम उपोद्घातः। तदर्थम माने भाष्य की रचना वो करने जा रहे हैं, उसकी सार्थकता या उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए या उसको क्यों किया जाए ये बताने के लिए उन्होंने दूसरे अर्थ का वर्णन किया। दूसरा अर्थ कौन है? अर्थांतर अध्यास है। अध्यास क्या होता है? और अध्यास को
जब वो पूरी तरह से समझा लेते हैं तभी ये अध्यास के ऊपर भाष्य लिखने का औचित्य बनता है, जो अभी हम समझ में आएगी बात। तो एक तो ये हो गया कि उपोद्घात क्या हुआ कि हम किसी चीज किसी एक ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी अन्य टॉपिक की सार्थकता बताने के लिए। तो इसीलिए इसका एक दूसरा भी अर्थ है कि प्रकृति सिद्ध्यर्थ चिंताम उपोद्घातम विदुर बुधा, प्रकृति सिद्ध्यर्थ चिंताम, जो हम अंडरटेक कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए जो और भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं या प्रतिपादन कर रहे हैं उसको उपोद्घात कहते हैं। अच्छा, प्रतिपादन क्या होता है? प्रतिपादन वो होता है कि प्रतिपाद्यम अर्थम बहिरेव प्रतिज्ञाए पश्चात तत्सिद्धि हेतुप वर्णनम। प्रतिपाद्यम बहिरेव, जैसे मैंने कहा अभी पर्वतो अग्निमान, फिर उसकी सिद्धि के लिए हेतु इत्यादि दृष्टांत इत्यादि का जो मैं वर्णन कर रहा हूं वो प्रतिपादन कहलाता है। ये पंचपादी का कारण नहीं, बिल्कुल इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है ये बताए। तो अध्यास उपोद्घात है, अर्थात अध्यास क्यों भगवत पाद रचना कर रहे हैं इसकी, इसलिए कर रहे हैं कि इससे ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य रचना वो करने जा रहे हैं वह उत्पन्न हो जाए, इसलिए। तो अध्यास के इस वर्णन के बाद हम आपके भामती पर चलते हैं। भामती के मंगल श्लोक हैं। तो पहला शिखरणी छंद है, अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिल तेजो भवनयः यतश्चा भूत विश्वं चरम चरम उच्चा वचमिदं नमामस्तद् ब्रह्मा परिमित सुखज्ञान ममृतम्। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य, ब्रह्म के लिए है ये। ब्रह्म अनिर्वाच्य दो अविद्याओं के साचिव्य से, दो अविद्याओं की सहायता से सृष्टि करते हैं। अनिर्वाच्य वही अनिर्वाच्य का वैसे भामतिकार बहुत ही सुंदर वर्णन करेंगे जब वो असत ख्याति का वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से समझाया उन्होंने। और अविद्या अज्ञान अनिर्वचनीय है, ये आप लोगों ने पढ़ा है वेदांसार इत्यादि में, जिसको ना तो हम सत कह सकते ना असत कह सकते, असत से निर्वचन नहीं हो सकता उसका, असत से भी निर्वचन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अनिर्वाच्य अविद्या ये दो है, भामतिकार दो अविद्याएं मानते हैं, एक भावरूप अविद्या जिसका देवता अधिकरण में बहुत अच्छा प्रतिपादन किया हुआ है शंकराचार्य जी ने, और दूसरी जो अविद्या है वो ब्रह्म के संस्कार होते हैं, यानी ब्रह्म संस्कार रूपा, एक मूला विद्या और दूसरी तुला विद्या ब्रह्म संस्कार रूपा, दो अविद्याएं हो गई। वाचस्पति दो अविद्या मानते हैं, मूला विद्या यानी मूल अविद्या और दूसरी अविद्या है ब्रह्म के जो संस्कार हैं तदरूप, ब्रह्म संस्कार रूपा। इन दो अविद्या द्वितीय का समास हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा अविद्ययो द्वितयम्, जैसे गुणत्रयम का हो जाएगा ना गुणानाम त्रयम्, इसी प्रकार अविद्या द्वितीय का हो जाएगा अविद्ययो द्वितयम्। और भी कुछ दिखाई दे रहे हैं तो ओमनाथ फिल्म जी फिर दोबारा आ गए, मिथिलेश चतुर्वेदी जी
तो अविद्यायो द्वितीयम् अनिर्वाच्या अविद्या द्वितीयम् सचिव यस्य अनिर्वाच्य दो अनिर्वाच्य अविद्याओं के साचिव्य से सहकार से। अब इसमें ये बात आती है कि भाई यदि अविद्याओं की सहायता ब्रह्म ले रहे हैं तो उनके अंदर ईश्वरत्व कैसा रहेगा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए वाचस्पति ने प्रभवतो शब्द प्रयुक्त किया है यहां पर, यानी कि वो प्रभु हैं, उन उस अविद्या को वश में रखने वाले हैं, अविद्या के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो ब्रह्म दो अविद्याओं के साथ इस संसार की रचना करते हैं और ये संसार भी इसका परिणाम नहीं है, ये विवर्त है। विवर्ता यस्यैते यस्य ब्रह्मण एते एते वियद अनिल तेजस अब और अवनि पृथ्वी, ये उसके विवर्त हैं। यस्य ब्रह्मण एते वियद अनिल तेजस अब और अवनि विवर्त हैं। विवर्त का मतलब है और तात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक अन्यथा भाव, और तात्विक अन्यथा भाव परिणाम होता है और तात्विक अन्यथा भाव विवर्त होता है। जैसे रस्सी का सर्प विवर्त है, उसी ब्रह्म से यतश्चाभूत विश्वम चरम अचरम उच्चावचम इदम, जिनसे ये जड़ चेतनात्मक विश्व, कैसा विश्व, उच्चावचम माने अनेक प्रकार का, अनेक भेद से युक्त, अनेक प्रकार का ये इदम विश्वम यतश्चाभूत, जिनसे ये जड़ चेतनात्मक संसार उत्पन्न हुआ, उस अपरिमित सुख ज्ञान अमृत ब्रह्म को वयम नमामः। हम उस ब्रह्म जो अपरिमित सुख माने अनवच्छिन्न आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, अमृत माने जो नित्य है, नित्य ये अपरिमित सुख ज्ञान ममृतम, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण के लिए उन्होंने ऐसा किया है यहाँ पर। और जो वियद अनिल तेजो बनिया, ये उसका तटस्थ लक्षण है ब्रह्म का। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हो गया आपका ये पहले पंक्ति में श्लोक की, और यहां तक हो गया आपका तीसरे पाद तक, और चौथे पाद में ब्रह्म का तटस्थ स्वरूप लक्षण है। जो ज्ञात ब्रह्म है ना, वो प्रयोजन होता है, और अज्ञात ब्रह्म विषय। ब्रह्म का ही इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो वर्णन किया, उसका एक ये भी अभिप्राय है कि जो ब्रह्म सूत्र का विषय है वो अज्ञात ब्रह्म है। अज्ञातम ब्रह्म विषय भवति, और जब ब्रह्म ज्ञात हो जाए तो वो ज्ञातम ब्रह्म प्रयोजनम, इस बात की सूचना देने के लिए। दूसरे में निश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम अस्य सुप्तम महाप्रलय। वेद चैतन्य ब्रह्म के मान लो जो प्रकट हुए, तो ऐसे प्रकट हुए जिसमें कोई प्रयास ही मान लो नहीं करना पड़ा। निश्वास जो निश्वति शब्द दिया है ना, वो ये कि अयत्न, अयत्न बिना किसी यत्न के जिसकी सिद्धि हो जाती है, वैसे वेद प्रकट हुए उनसे। निश्वसितम अस्य वेदाः, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आता है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद् ऋग्वेदो यद् यजुर्वेद सामवेद, ये अयत्न साध्य। और पंचभूतानि वीक्षितम एतस्य पंचभूतानि, निश्वास से थोड़ा ज्यादा प्रयत्न लगता है ना वीक्षण में। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय,
वृक्ष तो वो इसको ये बताने के लिए कि हिरण्यगर्भ के द्वारा ये सृष्टि हुई, वृक्षितम एतस्य पंचभूतानि। और उसके बाद जो चराचर की उत्पत्ति की है उसको कहा उन्होंने कि वो ब्रह्म का स्मित है, मुस्कराहट है। मैंने जैसे मुस्कराहट में थोड़ा प्रयत्न ज्यादा लगता है वीक्षण से भी, चराचर की उत्पत्ति में चराचर की उत्पत्ति थोड़ा उसका अधिक प्रयत्न लगा, ऐसा कहने का अभिप्राय है। बाकी तो सारा ब्रह्म ने एक ही बात उत्पन्न कर ही दिया। अस्य सुप्तम महाप्रलय, और ब्रह्म का जो की सुषुप्ति है वो महाप्रलय है, उनका सोना ही महाप्रलय है। निश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तम महाप्रलय। षड्भिरंगैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। दो यानी वेद और भव, यानी शंकर और वेद, इन दोनों के ये विशेषण है। षड्भिरंगैरुपेताय, षड्भिरंगैरुपेताय छह अंगों से युक्त, तो ईश्वर के छह अंग दिखे इसमें वेदांत कल्प के रूप में। आपके पास यदि पुस्तक हो तो नीचे दिया हुआ वेदांत कल्प के रूप में, सर्वज्ञता तृप्तिर अनादि बोध स्वतंत्रता नित्यम अलुप्त शक्ति अचिंत शक्तिश्च विभोर विदिज्ञा षडाहुरंगानि महेश्वरस्य। सर्वज्ञता और अत्यंत तृप्ति, अनादि ज्ञान यानी अनंत नित्य ज्ञान, स्वतंत्रता चार, और नित्यम अलुप्त शक्ति जिसकी शक्ति का कभी लोप नहीं होता है पांच, अचिंत शक्ति जिनकी शक्ति अचिंत्य है, विभोर विधिज्ञा षडाहुरंगानि महेश्वरस्य। विभोर महेश्वरस्य विधिज्ञा षडंगानि आहु, ये छह अंग उनके बताते हैं। और जो वेद के छह अंग है वो जानते हैं आप, कि निरुक्त इत्यादि, निरुक्त शिक्षा इत्यादि, ये वेद के छह अंग है। तो वेद षड्भिरंग रूपेताय वेदाय नमस्कुर्मः। विविधैर अव्ययी, अव्यय के लिए भी भगवान शंकर के लिए अव्यय पढ़े दस, ये वेदांत कल्प के रूप में, ये ज्ञानम विरागत ऐश्वर्यम तपः सत्यम क्षमा धृति सृष्टित्वम आत्मसंबोधो अधिष्ठातृत्वम एव च अव्ययानि दशयतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तप सत्य क्षमा धृति सृष्टित्व सृष्टि कर्तृत्व, आत्मसंबोध का मतलब है जो बोध रूप है, अधिष्ठातृत्व में, अधिष्ठाती का मतलब सब पे जिसका कंट्रोल है, जो सबका कंट्रोलर है। ये दस अव्यय है, जो अव्यय यानी कभी न समाप्त होने वाली ये शक्तियां शंकर में रहती हैं। उस शंकर को, उस भव को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ अव्यय की बात, वेद के लिए अव्यय क्या कि चकार आदि चादय और सत्व इत्यादि जो अव्यय है ये सब वेद के लिए। तो इस प्रकार षड्भिरंगै रूपेताय विविधैर अव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिन्वयं विश्ववंद्यान् नमस्याम सर्वसिद्धि विधायिनः। मार्तंड सूर्य, तिलक स्वामी है स्कंद स्वामी, और उसमें वेदांत कल्पतरु में से दिया है, आदित्यस्य सदा पूजाम तिलकम स्वामिनस्तथा महागणपतेश्चैव कुर्वन् सिद्धिम् आवाप्नुयात्। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आदित्य की और कार्तिकेय स्कंद स्वामी की और महागणपति की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। मार्तंड तिलक स्वामी महागणपतिं वयम् विश्ववंद्यान् नमस्याम सर्वसिद्धि विधायिनः। ब्रह्म सूत्र कृते तस्मै वेदव्यासाय वेद से ज्ञान शक्ति अवताराय नमो भगवतो हरे। ब्रह्म सूत्र बादरायण,
वैसे यहाँ पे जैसे वेद व्यास इत्यादि लिखा है ना, जो मॉडर्न जो फिलोसॉफिकल सर्कल्स हैं, मॉडर्न फिलोसोफर्स, वो बादरायण की रचना मानते हैं। वेद व्यास की रचना ज्यादातर, यद्यपि भामतिकार भी लिख रहे हैं यहाँ पर वो बादरायण सूत्री है, व्यास सूत्र नहीं कहे जाने चाहिए। पता नहीं है, मुझे आधुनिक जो दार्शनिक लोग हैं, जो फिलोसफी के हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि बादरायण की ही रचना है। पर यहाँ पर वो वेद व्यास जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वेद व्यास जी को वो मान रहे हैं ना, भगवतो हरे ज्ञान शक्ति अवताराय नमः। भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार हैं और वो वेद से ईश्वर हैं। ऐसे ब्रह्म सूत्र के रचयिता वेद व्यास जो ईश्वर स्वरूप हैं, जो भगवान हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये जो ज्ञान शक्ति अवतार है ना, हाँ जी, इसके ऊपर वेदांत कल्प तरु ने इसका जो समास विच्छेद किया है वो इस प्रकार किया है, हरे ज्ञान शक्तिर अवतार प्राप्तिर यस्मिन सा। हाँ जी जी जी, वो देखा था मैंने, है देखा ना ये, हरे ज्ञान शक्तिर अवतार प्राप्तिर यस्मिन, देखा सर मैंने। हाँ, लेकिन अब आप इसको क्या मानते हो, बहुव्रीहि समास मानते हो या षष्ठी तत्पुरुष? नहीं, सामान्य रूप से समानाधिकरणानां बहुव्रीहिर्भवति ऐसा रूल है ना। यहाँ पर ये मतलब ये इसमें जो इसको ऐसे दिखाया ना कि हरे ज्ञान शक्ति अवतार है प्राप्ति यस्मिन सह, ऐसा लगता है बहुव्रीहि समास है जी। यद्यपि वो न धातु लोप आर्ध धातु के लोप की के हिसाब से इसको व्यधिकरण मान भी लेते हैं, परंतु यहाँ पर जो कल्पतरु परिमल है ना जी, वो ये कहता है कि ये ज्ञान शक्ति अवतार है, ये षष्ठी तत्पुरुष ही है। और जो अवतार शब्द है, उस अवतार शब्द में अवे त्रिस्त्रोर घय, इस सूत्र से अधिकरण में घय प्रत्यय। तो अधिकरण में घय प्रत्यय है ना, तो अवतार शब्द का ही अर्थ ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्राप्ति यस्मिन सो अवतार जी जी, यानी जो प्राप्ति यस्मिन जो कहा है ना, वो अवतार शब्द की ही व्याख्या है। इसलिए ये मतलब उस बहुव्रीहि समास नहीं है इससे जी जी। अवतार का ही मतलब है कि जो अधिकरण है शक्ति का, क्योंकि जैसे सर आसन, जैसे सर आसन में होता है ना, आस्यते यस्मिन इति आसनम, उसी तरह से ये प्रत्यय ही अधिकरणार्थक हो जाएगा। तो उस तरह के व्यायाम प्राणायाम की आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ, फिर उसमें जो अवतार का ही मतलब हो गया कि वो अधिकरण अधिकरण अर्थ लिए हुए उसमें। इसलिए ज्ञान शक्ति अवतार का मतलब है कि जो शक्ति उसमें ऑलरेडी अवतरित हो गई है इसमें, वो है। हाँ, ये ज्ञान शक्ति अवतार है, तो षष्ठी तत्पुरुष माना है इन्होंने। और आगे वो जो वेदांत कल्प तरु परिमल में कहा है, प्राप्तिन यस्मिन सो अवतार इत्यर्थ न तु प्राप्ति पद मात्रम, तब ये कहा ना प्राप्ति यस्मिन ति उभयम अवतार पद व्याख्यानार्थम जी। प्राप्तिर यस्मिन, ये जो दोनों पद है ये अवतार पद की व्याख्या के लिए जी। इसलिए यहाँ पर वो बहुव्रीहि समास का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी गंभीर बात थी व्याकरण की दृष्टि से जी। नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम, और विमल प्रज्ञ शंकराचार्य जी को जो करुणालय हैं, जिन्होंने प्रसन्न गंभीर भाष्य लिखा, और भाष्य प्रसन्न गंभीर का मतलब आपातः तो प्रसन्न है लेकिन विचारणा करने पर जो गंभीर है, आपाततः प्रसन्नम विचारणायाम तु गंभीरम, उस तत्प्रणीतम विभज्यते, विभज्यते का मतलब होता है कि उसका एनालाइज कर रहे हैं। हाँ जी जी, विभज्यते नहीं, हम अब उसके अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे भावती में।
वैसे भी सर ये जो विश्लेषण कहते हैं ना सर, हाँ विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है चीजें जब संश्लिष्ट होती हैं तो समझ नहीं आती हैं, तो उसको अलग अलग करते हैं तो विश्लिष्ट कर देते, विश्लेषण अर्थ भी वही होता है तो विभाजन हाँ, भी वही होता है हाँ, बिल्कुल, जब चीजों को स्प्लिट करते हैं हाँ, जो एनालिसिस भी उसी का हो जाएगा जो सिंथेसिस है। हाँ जी जी बिल्कुल। आचार्य कृति निवेशनम अप्यवधूतम वचोस्मद आदि नाम रथ्योदकम एव गंगा प्रवाह पात पवित्रयति। अब यहाँ पर देखो आचार्य कृति निवेशनम अस्मदादीनाम अवधूतम वचः पवित्रयति, और उसका दृष्टांत दिया है यथा गंगा प्रवाह पात रथ्योदकम पवित्रयति। रथ्योदक माने जो गली का पानी है वो जब गंगा के प्रभाव में गिर जाता है वो गंगा का प्रवाह पात, गंगा में जो उसका गिरना है वो गिरना ही उस रथ्योदक को पवित्र कर देता है। तो इसी प्रकार से हमारा अस्मदादि नाम वचः, हमारा जो वचन यानी कि जो हम व्याख्या कर रहे हैं भगवान भगवत पाद के जो व्याख्या कर रहे हैं वो भी आचार्य कृति निवेशनम, जैसे रथ्योदक गंगा में गिर करके पवित्र हो जाता है उसी प्रकार हमारा वचन या हमारा जो प्रयत्न पूर्वक किया हुआ ये जो व्याख्या है वो आचार्य की कृति में प्रविष्ट होकर, आचार्य कृति निवेशनम उसमें मिलकर के पवित्र हो जाती है, अर्थात आचार्य की कृति में हमारी वाणी का जो प्रवेश है हमारी वाणी को पवित्र कर देता है, जैसे रथ्योदक को गंगा प्रवाह पात पवित्र कर देता है। तो इसका मतलब है ना सर, हाँ सर दो स्थितियां है ना, एक तो यह है कि रथ्योदक का गंगा प्रवाह में पात रथ्योदक को पवित्र कर देता है और रथ्योदक गंगा प्रवाह को अपवित्र नहीं कर पाता है, दो स्थितियां है। हाँ वो तो है ही थी, जब पवित्र जो चीज स्वयं पवित्र हो रही है उससे जी तो उसको अपवित्र कैसे कर पाएगा वो, लेकिन यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं वो, दूसरी अच्छा। का मतलब है कि जो व्याख्या वो कर रहे हैं तो व्याख्यातृत्व का अहंकार उनमें नहीं है, इस बात को बता कि मैं कमेंटेटर हूं और मैं कमेंट कर रहा हूं उनकी बात पर, ये जो अहंकार या व्याख्या कर्तृत्व का जो के कारण जो अभिमान हो सकता था सूचित उस बात का ये यहाँ पर समाधान कर रहे। जी 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 आचार्य यहाँ अपि का क्या अर्थ है, अपि है आचार्य कृति निवेशनम अपि, अपि क्या है यहाँ, अपि आचार्य कृति निवेशनम अपि रथ्योदकम एव, यानी आचार्य में जो हम आचार्य की कृति का जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो क्या इसका अर्थ कर सकते हैं बताओ। अवधूतम अपि है ना, हाँ अवधूतम अपि अस्मदादीनाम वचः, तो मतलब है कि हमारा जो प्रयास है, हम जो ये प्रयास कर रहे हैं हमारा प्रयास हो सकता है कि बहुत सारी एरर्स से बहुत सारी कमियों से आक्रांत हो, वैसा होने पर भी क्योंकि हम आचार्य की कृति के ऊपर प्रयास कर रहे हैं तो उससे वो हमारी सारी त्रुटियां सारी कमियां दूर हो जाएंगी, हमारे में कमी होने पर भी हाँ जी, जी हम उसके उनके साथ मिल रहे हैं तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये मतलब सिंपल सी बात है ना सर, अवधूत होते हुए भी अपवित्र होते हुए भी हमारी वाणी अपवित्र होते हुए भी, इसका यही तो अभिप्राय होगा ना कि भाई हम में कमियां हो सकती है ना। जी जी यहाँ अपवित्र होने का क्या मतलब है, यहाँ अपवित्र होने का मतलब है कि हम उनके उनके भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं, उनके भाष्य की व्याख्या करते करते हम फिसल भी सकते हैं ना कहीं। जी जी हम में कमियां हो सकती है ना, हम जो युक्तियां दे रहे हैं वो युक्तियां में एक डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो सारी कमियां होने पर भी हम जब उनके साथ मिल रहे हैं उनका उनके ऊपर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा कहना भी अलंकृत हो जाएगा जी। उस सेंस कमी होने पर
अब ये भामती का जो प्रारंभ है, सत्यमूर्ति कुछ ठीक हुई बात? सर थोड़ा कन्विंस मैं नहीं हो पा रहा हूँ, एनीवेज आप करें उसको थोड़ा और सोचेंगे फिर। हाँ और विचार नहीं सर, कोई बात नहीं सर, संस्कृत भाषा की प्रकृति होती है ना, संस्कृत भाषा में ये होता है कि मलिनम अपि नामकम मानसम पवित्रम करोति, मलिनम अपि, ये संस्कृत की प्रकृति है, मलिन होते हुए भी मेरी वाणी को। हाँ मतलब उसकी अनुवृत्ति जो है निवेशनम से नहीं होगी, उसकी अनुवृत्ति अवधूतम से होगी, अवधूतम अपि, हाँ अवधूतम अपि, यानी वो उसका मतलब क्या कहते हैं उसको, एक टेक्निकल टर्म होती है ना कि अपी अपी का अन्वय इसके बाद करो जी, वो है एक टेक्निकल टर्म आती है उस जी। वो असल में उसका संयोग वहां से हो रहा है ना निवेशनम से, इसलिए थोड़ा भ्रम हो रहा है, बाकी सही है वो। अवधूतम अवधूतम वचः अवधूतम अपि अवधूतम आचार्य कृति निवेशनम, ऐसा है ना। नहीं हम जो जैसे बात कर रहे हैं, हम तो यही बात कर रहे थे कि हमारा जो कमी, हमारी वाणी में जो कमी होने पर भी जी जी बिल्कुल वही आचार्य कृति के साथ जुड़ रहे हैं तो वो अलंकृत से ही हो जाएगी। नहीं लग गई पंक्ति सर, समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, धन्यवाद। अब एक बात अभी नहीं कर सकते, एक बात बहुत ध्यान से जरा सुनने की है कि जो हमारे जो संस्कृत के व्याख्याकार है ना, थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी में नहीं बोल रहा हूं, ये हर्मेन्यूटिक साइकिल को लेकर के चलते हैं जी। हर्मेन्यूटिक साइकिल का ऐसे हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल विद रेफरेंस टू द पार्ट्स, understanding of the whole with reference to the part and understanding of the parts with reference to the whole, ये hermeneutic circle। मुझे लगता है कि जितने भी व्याख्याकार होते हैं इसी hermeneutic circle को लेकर की व्याख्या में प्रवृत्त होते होंगे, ताकि उन सबका सबकी एक वाक्यता बनी रहे, एक प्रकार का एक वाक्यता बनाने के लिए ही हम ये शब्द इस्तेमाल करें हर्मेन्यूटिक साइकिल। दूसरा ये कि इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर में बात होगी, अब आगे क्वेश्चन आंसर को टेक्निकली कहते हैं कैटेकिज्म, CATECHISM, कैटेकिज्मल मेथड, यानी यहाँ पर जब प्रश्न और उत्तर के अंदर हो बात चलेगी तो ये मान सकते हैं कि भाई एक सिद्धांती ले लो या पूर्व पक्षी ले लो। तो जब पूर्व पक्ष का जो वचन आएगा वो कई बार अति सामान्य सा हो जाता है, तो इसका मतलब जो व्याख्या करने वाला है वो केवल एक उस अति सामान्य बात से एक गंभीर उसकी प्रकृति की तरफ ले जा रहा है ये। अब इस बात को, क्योंकि यहां पर सबसे पहले ये आएगा कि भाई हमें तो ब्रह्म का ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान कैसे, अहम अनुभव को ब्रह्म का ज्ञान वो कह रहे हैं, और जैसे ग्रामीण भाषा में हम कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, मुझे अपना ज्ञान है, मैं अपने को जानता हूं, ये जो अहम अनुभव है सामान्य रूप से, जो पूर्व पक्षी है वो ये कहता है कि ये जो अहम अनुभव है ये ब्रह्म ज्ञान ही है, आत्मा और ब्रह्म में भेद न मान करके वो ऐसा, यानी आत्मा ही सो परमात्मा, इस बात को लेकर के अति सामान्य ढंग से पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मुझे अपने बारे में, यानी ब्रह्म के बारे में कोई संदेह नहीं है, तो फिर मुझे ब्रह्म सूत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। कि जिसके बारे में मुझे संदेह नहीं है और जो चीज प्रयोजनहीन है उसके बारे में मुझे अध्ययन में प्रवृत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भ्रांतिकार पहले शुरू कर रहे हैं। अथ यद असंदिग्धम अप्रयोजनम च न तद प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचर यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्ट
स्फीतालोक मध्यवर्ती घट करट दंतावा तथा चेदम ब्रह्म व्यापक विरुद्धोपलब्धि। जो जिज्ञास्य वस्तु होती है, जो जिज्ञास्य वस्तु होती है वहां संदेह होता है अवश्य। यत्र जिज्ञास्यत्वम तत्र संदिग्धत्वम। तो इसमें व्याप्य कौन हुआ? जिज्ञास्यत्व व्याप्य है और संदिग्धत्व व्यापक है। जो जो जिज्ञास्य होगा वहां पर संदेह अवश्य होगा। और जब संदेह नहीं होगा तो जिज्ञासा भी नहीं होगी। ये जो कहा है ना इसमें, यद असंदिग्धम अप्रयोजनम, जो संदेह रहित है और जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो बुद्धिमान पुरुष की जिज्ञासा का विषय नहीं बनता। प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचर न भवती। प्रेक्षावत, प्रेक्षावत माने इंटेलेक्चुअल, प्रतिपित्सा माने जिज्ञासा, गोचर माने विषय। दो बातें कि जो संदिग्ध नहीं है और जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो बुद्धिमान व्यक्ति की जिज्ञासा का विषय नहीं बनता। यथा समनस्केंद्रिय सन्निकृष्ट स्फीतालोकवर्ती, स्फीतालोक मध्यवर्ती घट, जैसे घड़ा स्फीतालोक मध्यवर्ती, बिल्कुल स्पष्ट प्रखर प्रकाश के अंदर रखा हुआ जो घड़ा है उसके बारे में कौन जानने की इच्छा करेगा। लेकिन अब उसमें साथ में ही कह दिया कि मान लीजिए वो घड़ा वहां पर रखा भी हुआ है तो आपका मन वहां पर नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे ना उसे। तो इसलिए ये यूज किया समानस्क, मन वहां होना चाहिए। और मन होने पर भी यदि इंद्रिय का कॉन्टेक्ट नहीं है तो अभी आप उसको, उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। तो ज्ञान यदि नहीं होगा तो संदेह राहित नहीं होगा। तो मन सहित इंद्रिय के से सन्निकृष्ट, इंद्रिय से संयुक्त और जो बिल्कुल प्रखर प्रकाश में रखा हुआ घड़ा है, जैसे प्रेक्षावान की जिज्ञासा का विषय नहीं बनता, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तथा चेदम ब्रह्म, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म है अर्थात जिज्ञासा का विषय नहीं बनता क्योंकि व्यापक विरुद्धोपलब्धि। व्यापक क्या है यहां पर? संदिग्धत्व। और ब्रह्म का मुझे ज्ञान है, उसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है क्योंकि जो मेरा अहम अनुभव है वही ब्रह्म ज्ञान है। अहम अनुभव ही ब्रह्म ज्ञान है। ये बहुत सामान्य सी बात लग रही है लेकिन पूर्व पक्ष उसी को लेकर के चल रहा है कि ये जो मेरा अहम अनुभव है इस अनुभव में मुझे कोई संदेह नहीं है और इस अनुभव में मेरे को कोई भ्रांति भी नहीं है। तो व्यापक क्या हुआ? संदिग्धत्व। और व्यापक का विरोध यानी उस संदिग्धत्व का अभाव क्या हुआ? संदिग्धत्व का अभाव व्यापक का अभाव हो गया। जैसे घट का घटाभाव विरोधी है ठीक इसी प्रकार संदिग्धत्व का विरोधी असंदिग्धत्व है। तो संदिग्धत्व मतलब यदि मुझे संदेह नहीं है तो मुझे जिज्ञासा क्यों होगी? तो व्यापक का अभाव, जब जैसे व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव को भी आपादित करता है ना। जैसे वन्नी का अभाव धूम के अभाव को बताएगा,
वन्नी का अभाव धूम के यत्र धूमा तत्र वन्नी में धूम व्याप्य है और वन्नी व्यापक है। यदि वन्नी नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा क्योंकि वो वन्नी धुएं का कारण है। यहां पर क्या है, यदि संदेह होगा तो जिज्ञासा होगी, पर अहम अनुभव को लेकर के वो ये कह रहा है मुझे संदेह है ही नहीं, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब मैं अपने आप को जानता हूं। एक तो ये बात हुई, आगे और क्लियर करेंगे वो। करठ दंतावा, और ऐसे विषय में भी नहीं प्रवृत्ति होगी जो जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। करठ दंत माने काकदंत, काकदंत परीक्षा में कौन प्रवृत्त होगा, क्योंकि काकदंत गणने की कोई उसमें कोई प्रयोजन नहीं है ना, उसका कोई प्रयोजन वत्ता नहीं है उसमें। तो जब मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया और मैं आश्वस्त हूं, मेरी कोई भ्रांति इत्यादि नहीं है, तो संदेह का अभाव भी हो गया और उसकी प्रयोजन वत्ता भी नहीं हुई, तो इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों होगी। यही ये जरा देख लेना, यद असंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत् प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचर। यत असंदिग्धम अप्रिय, जिसका जिसमें कोई संदेह नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। असंदिग्धम माने संदेह रही, अप्रयोजन माने निष्प्रयोजन। तत् यत, यत से तत् को पकड़ लो, ऐसा जिसमें कोई संदेह नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति के जिज्ञासा का विषय नहीं बनता। जैसे दृष्टांत ये दिया स्पित आलोक मध्यवर्ती घटक, और दूसरा निष्प्रयोजन का दृष्टांत करट दंता, करट दंता माने काकदंत। तथा चेदम ब्रह्म, इसी प्रकार ये ब्रह्म भी है जिसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। संदेह यानी व्यापक विरुद्ध उपलब्धि, व्यापक क्या था, व्यापक है संदिग्धत्व। यत्र जिज्ञास्यत्वम तत्र संदिग्धत्वम, जिज्ञास्यत्व व्याप्य है और संदिग्धत्व व्यापक है। जब उस व्यापक के अभाव, जब उस व्यापक का अभाव है तो व्याप्य का अभाव भी हो जाएगा। व्यापक क्या है, संदिग्धत्व। जब संदिग्धत्व का अभाव है, संदेह का अभाव है, तो जो व्याप्य जिज्ञासा है उसका अभाव हो जाए। इसलिए उसी बात को आगे समझा रहे तथा ही से। तथा ही बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद आत्मै ब्रह्मेति गीयते। बृहत्वाद माने व्यापकत्वात् और ब्रह्मणत्वात्, ब्रह्मणत्वात् का अर्थ किस तरह से परिणामयित्रित्वात्, यानी जब आत्मा शरीर में होती है तब शरीर में परिणाम होते हैं, इसलिए शरीर उसके उसके अस्तित्व से, उसके होने से शरीर में परिणाम होते हैं, इसलिए उसको, उस आत्मा को ही ब्रह्म कह रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो ब्रीह धातु से ब्रीहेर नो अच्छ, ये उनादि सूत्र है, ब्रिंगेर नो अच्छ, ब्रिंगी में जो न है ना, इदितो नम धातु से नम हुआ, वो न जो है उसको अत हो जाता है, और जब अत हो जाता है तो बकारोत्तरवर्ती जो री है और उसका अ के साथ यानी एको अंकी से र हो जाएगा, और मन इन प्रत्यय इसमें ब्रह्मन बन गया। तो ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् व्यापकत्वात् च ब्रह्म, और उसको मतलब पूर्व पक्ष की तरफ से वो उसके अंदर स च अयम आकीट पतंगेभ्य आच देवर्षिभ्य प्राण भृन मात्रस्य इदंकारास्पदेभ्यो देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयभ्यो विवेकेन अहम इत्यसंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव सिद्ध इति न जिज्ञासास्पदम। ये जो बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर ऐसे कहते, बृहत्वात् व्यापकत्वात् और ब्रिंगणत्वात् परिणमित्रित्वात् आत्मा ही ब्रह्म इति गीयते, आत्मा ही ब्रह्म है।
और वह आत्मा आ कीट पतंगेभ्य, यानी कीड़े को भी पता होता है कि मैं हूं भाई। आच देवर्षिभ्य प्राण भिन्न मात्रस्य, प्राणी मात्र, प्राणी मात्र के लिए इदंकारास्पदेभ्यो, जो इदंकारास्पद माने जो आत्मा से भिन्न, आई एन दी अदर, जो दूसरे यानी मेरे से जो भिन्न है, इदंकारास्पद माने जो इदम के विषय बन सकती है, जिनका इदम इत्यादि सर्वनाम से निर्देश किया जा सकता है, पर मैं तो ये कहूंगा दी अदर, अदर का मतलब आई एन दी अदर, तो इदंकारास्पद माने आत्मा से भिन्न, इदंकार के जो से निर्दिष्ट हो सकते हैं देह इंद्रिय मनु बुद्धि विषय, इसका मतलब आत्मा से भिन्न देह भी इंद्रिय मन और बुद्धि विषय भी। विवेकेन अहम इत्यसंदिग्ध, इन सबसे ये विविक्त है, मैंने अहम जो है इन सबसे अलग है, वही जो बताया कि आत्मा आत्मा ही ब्रह्मेति गीयते, ये जो आत्मा है ये इदंकरास्पद देह इंद्रिय मनोबुद्धि से विवेकेन माने भिन्न है, अहम और अहम इस प्रकार से असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव सिद्ध है। अहम मैं अपने बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, अपने बारे में मुझे कोई विपर्यास नहीं है, यानी कि विपरीत भान भी नहीं होता कि मैं नहीं हूं, और इसका मुझे अपरोक्ष अनुभव भी है। तो आत्मा को ब्रह्म मान करके अहम अनुभव को ब्रह्मानुभव मान करके संदेह रहित स्थिति बता रहे हैं यहां पर कि आत्मा यानी ब्रह्म के बारे में कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म के बारे में क्यों संदेह नहीं है, क्योंकि ये आत्मा ही ब्रह्म है, और उस आत्मा यानी मेरे को अहम आत्मा का ही सूचक है, उस आत्मा का यानी मेरा मुझे जो अहम अनुभव हो रही है वही ब्रह्मानुभव है, इसलिए मुझे क्योंकि मेरे मुझे अपने बारे में कोई संदेह नहीं है, मुझे ब्रह्म के बारे में कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्म के बारे में कोई संदेह नहीं है तो फिर ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों की जाए। ये बात क्लियर हुई ओमनाथ जी? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये थोड़ा सा है ना व्यापक विरुद्ध उपलब्धि, समझ आया ना? हाँ समझ में आ गया सर, है? आ गया समझ में। हाँ क्योंकि जो ज्ञात होता है उसके बारे में जिज्ञासा कैसे होगी? जिज्ञासा का मतलब होता है ज्ञातुम इच्छा। हाँ इसका मतलब यह है कि अभी तक ज्ञात नहीं है तभी तो ज्ञातुम इच्छा होगी। हाँ तो अगर आत्म तत्व अहम अनुभव के रूप में सर्वथा ज्ञात है हाँ तो उसमें संदेह नहीं होगा, तो जिज्ञासा का व्यापक तो संदेह होता है। यत्र यत्र संदेहत्वम तत्र तत्र जिज्ञासात्वम, ऐसी व्याप्ति होती है। हाँ। तो जो व्यापक ये क्या है सर, उल्टा हो गया इंग्लिश सर, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यत्र यत्र जिज्ञासा तत्र तत्र संदेह, ऐसे कह लो। हाँ जी 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 जी, यत्र यत्र जिज्ञासा तत्र तत्र संदेह, संदेह व्यापक है, संदेह व्यापक विरुद्ध का मतलब है व्यापक का अभाव। सर संदेह का अभाव है, ऐसा का भी अभाव जाएगा। यहाँ व्यापक तो उपलब्ध है नहीं, व्यापक विरुद्ध का की उपलब्धि है। नहीं नहीं, व्यापक विरुद्ध मतलब व्यापक विरोध क्या है, वो जैसे घटा भाव हो गया घट का विरोधी। सर मैं के यहाँ है ना सर, ये उपलब्ध ये प्रकार है ना, एक व्यापक विरुद्ध उपलब्धि एक प्रकार है। व्यापक विरुद्ध उपलब्धि ये धर्म कीर्ति ने यूज किया हुआ है जी जी, जैसे ये बताते हैं योगेंद्र नंदन जी। लेकिन यहाँ पर जो ये संस्कृत टीकाकार ये कहते हैं कि जो विरुद्ध को यहाँ पर वैसे ले लो कि जो उसका जैसे यहाँ घटा भाव है, यदि आप घट घटा घट को ले आओगे तो घटा भाव का विरोध ही नहीं हो गया वो। हाँ जी जी, उस तरीके से समझ करके कर सकते हैं। और या फिर वो धर्म कीर्ति वाला जो टेक्निकल टर्म उसने यूज किया हुआ है, वो शब्द यहाँ पर यूज किया हुआ है, व्यापक विरुद्ध उपलब्धि, यानी यहाँ पर इस चीज की उपलब्धि है जो व्यापक का विरोधी है,
तो व्यापक का विरोधी क्या है? व्यापक है आपका संदिग्धत्व, और व्यापक का विरोधी हो गया और संदिग्धत्व, नहीं वो संदिग्धत्व का जो विरोधी हो गया असंदिग्धत्व, संदेह का अभाव। जब संदेह का अभाव नहीं रहेगा तब जिज्ञासा भी नहीं रहेगी जी। उसी को तथा ही से समझा रहे हैं, बृहत्वाद बृहंगणत्वाद आत्मी ब्रह्मेति गीयते इत्यादि। तभी कहा ना इति अहम इत्यसंदिग्ध असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव सिद्ध इति न जिज्ञासा जिज्ञासास्पदम नहीं जातु कश्चित अत्र संदिग्धे। यहाँ पर कोई कभी भी संदेह नहीं करता कि मैं नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, ऐसा कोई संदेह करता है ना? कोई ऐसा विपरीत ज्ञान करता है कि मैं हूं ही नहीं? नचे विपर्यस्यति ना हमेवे, ठीक हो गया? आगे चले इसमें। हाँ जी सर। और इसमें सर संदिग्धे, संदिग्धे जो है ना क्रियापद है, संदिग्धे संदिहाते संदिहते। हाँ संदिग्ध वो संदि, संदिग्धे संदिहाते संदिहते। हाँ जी सर। अब उसकी है ना याद आदिगण की। ना हम संदिग्धे ना हम संदिग्धे हम वा ना हम वेति न चे विपर्यस्यति विपर्यासै। विपर्यास, विपर्यास का मतलब बिल्कुल विरोधी ज्ञान कि मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। अब आगे उसी आर्गुमेंट को और बढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आंसर में। तो अब सिद्धांति ये कहेगा कि भाई अहम कृश स्थूल गच्छामी इत्यादि देह धर्म सामानाधिकरण दर्शनात् देहालंबनो अयम अहंकार। ये जो अहंकार आपको अहम अहंकार हो रहा है उसका आलंबन तो देह हो सकती, देह है। क्यों है? अहम कृश, अहम स्थूल, अहम गच्छामी, कृशत्व स्थूलत्व और गमन क्रिया वो देह के धर्म है, और देह के साथ सामानाधिकरण अहम का हो रहा है, जिसमें कृशत्व स्थूलत्व और गमन क्रिया है वही अहम है। यानी ये जो धर्म है स्थूलत्व कृशत्व इत्यादि, ये देह के साथ सामानाधिकरण, देह के जो धर्म है उसका अहम के साथ सामानाधिकरण है, अहम भी वही, अहम भी अधिकरण है उनका। तो इस उदाहरण से वो ये कहते हैं कि जो आपको अहम का अनुभव हो रहा है, जो आपको अहम का अनुभव हो रहा है वो अहम तो देह के लिए अहम, अहम देहालंबन है, उसका आश्रय देह है। यानी अहम, अहम का आस्पद देह, अहम कृश स्थूलो। अच्छा फिर ये देखो, मैं ये कह रहा हूं ये सिद्धांति कह रहा है, यानी कोई क्वेश्चन आंसर में अब सिद्धांति इस पूर्व पक्षी को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो तू कहते हो कि जो मुझे मुझे अहम का अनुभव है ये ब्रह्मानुभव है, ये जो अहम का अनुभव है ये तो देह आलंबन है इसका, ब्रह्म अनुभव, ब्रह्म विषय कहाँ है? ब्रह्म उसका अनुभव का विषय कहाँ है? अहम कृश स्थूलो गच्छामी इत्यादि देह धर्म सामानाधिकरण्य दर्शनात् देहालंबनोयम अहंकार न सांप्रतम, न च सांप्रतम माने ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांती जब ये कह रहा है कि अहम का आलंबन देह है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अहम का आलंबन देह नहीं है, यदि अहम का आलंबन देह होता तो अहम आलंबन, अहम तदालंबनत्वे ही यो हम बाल्ये पितरौ अन्वभवम सैव स्थाविरे प्रणत्रीन अनुभवामीति प्रतिसंधानम न भवेत।
यदि अहम का आलंबन देह होता, तद माने देह, अहंकार यानी अहम का आलंबन देह होता, तो कहते हैं कि जो मैंने बाल्यावस्था में अपने पिताजी का अनुभव किया, नहीं पिताजी को देखा था, उनके साथ व्यवहार किया था, वह स्थावीर माने इस वृद्धावस्था में प्रणत्रीन प्रपोत्र इत्यादि का अनुभव कर रहा हूं, यानी पड़पोते हो चुके हैं उसके। तो जो बाल्यावस्था में जो उसका शरीर था और वृद्धावस्था में जो शरीर है उसका, ठीक है, तब भी उसको ये यो हम कह रहा, जो मैं बाल्यावस्था में था, जिन मैंने माता पिता का अनुभव किया, वही मैं अब इस समय वृद्धावस्था में प्रपुत्रों का अनुभव कर रहा हूं, ऐसी प्रतिविज्ञा नहीं होती। यदि क्योंकि बाल्यावस्था के शरीर में और वृद्धावस्था के शरीर में आइडेंटिटी नहीं है, आगे जो कह रहे हैं ये, नहीं बाल स्थविरयो शरीरयो अस्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधो येन एकत्वम अध्यवसीयेत। बालकपन के शरीर में और वृद्धावस्था के शरीर में तनिक भी प्रत्यभिज्ञान गंध नहीं है, माने ये वही है, इस प्रकार का जरा सा भी मुझे अनुभव नहीं है, जिससे ये समझा जाए कि वो शरीर एक ही है, जो बालपन में शरीर था वही वृद्धावस्था में शरीर है। परंतु मेरे ये तो कह रहा हूं कि मेरे को इस समय, मुझे तो मैं ये कह रहा हूं, बचपन में जो मैंने अपने माता पिता को अनुभव किया था, वही बुढ़ापे में अपने प्रपोत्रों को अनुभव कर रहा हूं, तो मैं इस शरीर से अलग है। नहीं बाल स्थविर यो शरीर यो मनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधो येन एकत्व अध्यवसीयेत। इसका मतलब है कि शरीर, बालावस्था का शरीर, युवावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर अलग अलग है, और उनके चेंज होने पर भी मैं एक आइडेंटिटी अपनी अनुभव कर रहा हूं अब तक। येषु व्यावर्तमानेषु यद अनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नम यथा कुसुमेभ्य सूत्रम। तो यहां कुसुम को ले लो शरीर के साथ, और जो अनुवर्तमान हो रहा है उसको ले लो अहम। व्यावर्तमान माने जो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है माने जो अलग अलग पृथक पृथक है, शरीर पृथक पृथक है। बालकपन के शरीर में और बुढ़ापे वाले शरीर में जरा भी एकत्व की गंध नहीं है, है? तो वो तो इसका मतलब अहम शरीर नहीं हो सकता, अहम शरीर से अलग है। जैसे व्यावर्तमान कुसुमों से जो जिसका अनुवर्तन हो रहा है वो उनसे भिन्न है, जैसे माला के अंदर जो फूल है, फूल अलग अलग हैं लेकिन सूत्र उनके अंदर से अनुवृत्त हो रहा है, अनुवर्तमान है, उनके अंदर से जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मेरा बचपन का, युवावस्था का, बुढ़ापे का शरीर अलग है, लेकिन ये मैं वही हूं, ये जो मुझको प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ये उन शरीरों से अलग है। तो पूर्व पक्षी ने जो ये सिद्धांति ये कह रहा है ना कि ये अहम का आलंबन शरीर है, तो पूर्व पक्षी जो ये कह रहा है कि कोई संदेह नहीं है मुझे, वो ये कह रहा है कि नहीं, ये देह अहम का आलंबन नहीं, यानी अहम से हम देह को नहीं ले सकते। तथा ये है सर, शरीर अलग अलग है, शरीरस्थ एक है। हाँ, शरीर अलग अलग, शरीर अलग अलग है, शरीरस्थ एक ही है। क्या शरीरस्थ? वेल टेकन। सारे शरीरों में जो अलग अलग, सारे शरीर अलग अलग है, जैसे फूल है आपके, फूल सब अलग अलग है ना, और उनमें जो पिरोया जा रहा है धागा वो अलग अलग है, वो अलग है उससे उनसे। इसी प्रकार शरीरों में जो रह रहा है, जो शरीरस्थ जब कहेंगे तो वो हो जाएगा ना कि बालकपन के शरीर में रह रहा है या युवावस्था के शरीर में रह रहा है या वृद्धावस्था वाले शरीर में रह रहा है।
तथा च बालादि शरीरेषु व्यावर्तमानेषु परस्परम अहंकार आस्पदम अनुवर्तमानम तेभ्यो विद्यते। क्लियर कर दिया बिल्कुल। बालादि शरीर में, बालादि शरीर जो व्यावर्तमान है मतलब अलग अलग है जिनमें चेंजेज आ रहे हैं, एक दूसरे से अलग है, परस्परम व्यावर्तमान एक दूसरे से अलग है, और जो अहंकार आस्पद है वो अनुवर्तमान है, जो अहंकार का आलंबन है उसका अनुवर्तन हो रहा है। इसलिए शरीर जो अलग अलग है परस्पर एक दूसरे के और उनमें जो अनुवर्तन हो रहा है जिसका, वो अहम का आलंबन है। इसका मतलब शरीर अहम का आलंबन नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया है उनका, सिद्धांति का और पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि भाई वो सिद्धांति ये कह रहा है ये शरीर का आलंबन अहम है, पूर्व पक्षी को हटाने के लिए, यानी पूर्व पक्षी की बात को काटने के लिए। तो पूर्व पक्षी फिर ये कह रहा है कि भाई ये शरीर इसका आलंबन नहीं है और समझा रहे हैं। अपिच स्वप्नान्ते दिव्यम शरीर भेदमास्थाए तद उचितान भोगान भुंजान एव प्रतिबुद्धो मनुष्य शरीरम आत्मानं पश्यन् नाहम देवो मनुष्य एवेति देव शरीरे बाध्यमाने अहम आस्पदम अबाध्यमानं शरीरात् भिन्नं प्रतिपद्यते। स्वप्नान्ते माने स्वप्न में, अंत्य का मतलब यहाँ में भी है। स्वप्न में जो मुझे दिव्य शरीर मिला या स्वप्न में जैसा भी शरीर मिला वो अलग होता है ना वो, तो क्योंकि जब जैसे ड्रीम में मान लो मुझको हंसराज कॉलेज का ध्यान आ रहा है तो मैं क्लासरूम ले रहा हूँ, तो वो कौन सा शरीर ले रहा है? वो स्वप्न निर्मित शरीर है, अलग है। जो पलंग पे पड़ा हुआ शरीर है वो नहीं ले रहा क्लास। स्वप्न में जो शरीर है वो अलग है जागृत अवस्था वाले शरीर से। स्वप्नांते दिव्यम शरीर भेदम आस्था है, स्वप्न में मुझे दिव्य शरीर मिल गया, तदुचित भोग मैंने भोगे जो देवताओं के उचित भोग है, और जब मैं जगता हूं तो फिर मेरे को ये होता है मनुष्य शरीरम आत्मानम पश्यन, अपने आप को मनुष्य शरीर वाला देखता है, तब वो ये कहता है कि मैं भाई देवता नहीं, मैं तो मनुष्य ही हूं, मैं देवता नहीं मैं मनुष्य ही हूं। देव शरीरे बाध्य माने, देव शरीर बाधित हो जाता है जगने पर, तो बाध्य माने अपी बाध्यमान हो जाने पर भी, बाधित हो जाने पर भी अहम आस्पदम अबाध्यमानम, जो अहम आस्पद है यानी कि जो अहम का आलंबन है शरीर से भिन्न है, शरीराद भिन्नम प्रतिपद्यते, वो शरीर से भिन्न है। एक और उदाहरण दे रहे हैं यहां पर सिद्धियों का, अपिच योग व्याघ्र शरीर भेदेपि आत्मानम अभिन्नम अनुभवति इति नाहंकारालंबनम देह। जो विभूति बाद में जैसे आया योग दर्शन में, योग से व्याघ्र शरीर मैंने धारण कर लिया, शरीर भेदेपि और शरीर भिन्न होने पर भी फिर भी मैं अपने आप को अभिन्न मानता हूं। अभिन्न मानता हूं का मतलब व्याघ्र शरीर में जो मैं हूं वो मैं अपने को भिन्न मान रहा हूं। योग से जो मैंने व्याघ्र शरीर धारण किया, शरीर भिन्न होने पर भी मैं अपने आप को, मेरी अपनी आइडेंटिटी जो है उससे अलग है। ये इतने इन्होंने दृष्टांत दिए हैं ये बताने के लिए कि देह जो है उसका, देह अहंकार का आलंबन नहीं। आप पीछे योग व्याघ्र शरीर भेदेपि आत्मानं अभिन्नम अनुभवति इति नाहंकार आलंबनं देह। एक बात यह होगी कि इस अहम का आलंबन देह नहीं है। दूसरी बात नेन्द्रियाण्यप्यस्य आलंबनम, इंद्रियां भी इसके आलंबन नहीं। इंद्रिय भेदेपि योहम अद्राक्षम सैव एतर ही स्पृशामि इत्यहम आलंबनस्य प्रत्यभिज्ञानात्। इंद्रिय भेदेपि, मैंने किसी वस्तु को देखा तो मैं कहता हूं मैंने देखा जिस वस्तु को, उसी को मैं अब स्पर्श कर रहा हूं। यदि ये जो अहम का आलंबन इंद्रिय होता तो जब मैंने देखा तो अहम का आलंबन आंख है,
और जब मैं स्पर्श कर रहा हूं तो अहम का आलंबन त्वचा हो गई, फिर तो दोनों में तो फिर भेद हो गया ना, ये तो फिर इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इसका मतलब इंद्रियों से अलग है अहम का आलंबन, क्योंकि इंद्रिय के भिन्न होने पर भी यो अहम अद्राक्षम, जिसने देखा है वही अब स्पर्श कर रहा है, और इसका मतलब है कि इंद्रियों के भिन्न होने पर भी अहम के आलंबन का प्रतिविज्ञान हो रहा है, अर्थात मैं इंद्रियों से भिन्न हूं ये मुझे ज्ञान हो रहा है। यदि मैं इंद्रिय ही होता तो एक बार तो मैं आंख बन गया, दूसरी बार मैं त्वचा बन गया, ये युक्ति संगत नहीं लगता। इंद्रिय भेदेपि योहम अद्राक्षम सैव एतर ही इस समय स्पृशामि इति अहम आलंबनस्य प्रत्यभिज्ञाना विषयेभ्यस्तु अस्य विवेक स्थवीयानेव। और अहम अहम का आलंबन जो है उसका विषय से जो विवेक है, भेद है, वो तो बहुत ही स्थूलतर है। स्थवीयानेव यानी विषयों से अपने आप को, यानी अहम का आलंबन अलग है इसको, ये तो बहुत ही स्थूल बात है समझना। विषयेभ्यस्तु अस्य, अस्य का मतलब है अहम आलंबनस्य, विवेक स्थिवियानेव स्थूलतर, वो भेद तो स्थूलतर है। कथंचित अच्छा अच्छा बुद्धि मनुष्योश्च कर्णयोर अहम इति कर्त्री कर्तृक प्रतिभास प्रख्यान आलंबनत्वायोग। अच्छा फिर बुद्धि को मान लो भाई, मन को मान लो अहम का आलंबन, ये दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं। बुद्धि और मन कारण है, बुद्धि और मन कारण है, और अहम के अंदर जो हमको ज्ञान होता है वो कर्ता का होता है। कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलंबनत्व, प्रख्यान का मतलब है शब्द। अहम ऐसा शब्द है जो कर्ता को प्रकाशित करता है, कर्ता को अभिव्यक्त करता है, यानी कर्ता उससे प्रतीत होता है, अहम से कर्ता का भान होता है। प्रख्यान आलंबन यानी अहम शब्द, यानी अहम प्रख्यान, अहम शब्द का आलंबन, अहम शब्द का आलंबन बुद्धि और मन नहीं हो सकते। बुद्धि मनसो अहम आलंबनत्वा योग, बुद्धि और मन अहम के आलंबन नहीं हो सकते, ये समझ आया। बुद्धि मनुष्योश्च कर्णयोर अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलंबन, कर्तृ माने कर्ता को अभिव्यक्त करने वाला शब्द, प्रख्यान माने शब्द। अहम ऐसा शब्द है जिससे कर्ता अभिव्यक्त होता है, कर्ता को बताने वाला है, उस शब्द का आलंबन बुद्धि और मन नहीं हो सकते, क्योंकि वो कारण है। कर्ता को अभिव्यक्त करने वाला जो प्रख्यान शब्द है उसका आलंबन बुद्धि और मन नहीं हो सकते, क्योंकि वो कारण है। अहम कर्ता को बताता है। बुद्धि मनुष्योश्च कर्णयोर अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलंबन, ये समझ आया ना बात लगी? जी सर जी, कर्तृबोधक शब्द है ये। हाँ, अहम कर्तृबोधक शब्द है और बुद्धि और मन कारण है। तो अहम यानी इसका मतलब है अहम का आलंबन ना बुद्धि हो सकता ना मन हो सकता, ये कहना चाहते। तो अहम का आलंबन ना बुद्धि हो सकता ना मन हो सकता। अच्छा अब कृशोहम अंधोहम इत्यादयश्च प्रयोगा असत्यारोपे कथंचिन मंचा क्रोशंती इत्यादिवत औपचारिका इति युक्तम उत्पश्याम। अच्छा ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लाइन सर। वैसे एक 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 बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अहम जानामि कहते हैं ना, तो साथ साथ में अहम मनसा जानामि भी कहते हैं। तो अहम मनसा जानामि जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मन को तो मैं करण मान के चल ही रहा हूँ, लेकिन बुद्धि के संबंध में क्या कहते होंगे सर ऐसे?
अहम बुद्धिया जानामि तो नहीं कहते होंगे ना, अहम बुद्धिया जानामि, अहम जानना ही बुद्धि है, निश्चयनोमि अहम बुद्धिया निश्चयनोमि, हां यानी वो जो डिटरमिनेशन है ना, वो डिटरमिन जो वो मन से जो ज्ञान हो गया, हम उसी को मैं बुद्धि से निश्चित कर रहा हूं, क्योंकि जो 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 परसेप्शन की जो प्रक्रिया है ना, उस परसेप्शन की प्रक्रिया में बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले हम हमारे आंखों का कांटेक्ट हुआ, आंखों का कांटेक्ट होने के बाद सेंस डाटा गया, सेंस डाटा गया, उससे थोड़ा ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद फिर और डिटरमिन उसके हुए, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मन भी आ रहा है, बुद्धि भी आ रही, और इसलिए वो करण की कैटेगरी में इसको रख दिया यहाँ पर इन्होंने वाचस्पति ने, समझाने के लिए कि भाई बुद्धि के साथ आइडेंटिटी नहीं हो सकती है हमकी, और ना ही मन के साथ हो सकती है, और यहां तक बात करके ना वो देह से लिए, इंद्रिय लेकर के फिर इंद्रिय मन तक पहुंच गई कि अहम का आलंबन देह से लेकर के बुद्धि तक नहीं हो सकता, ये बात उन्होंने कह दी। तो इनके यहाँ सर ये क्या होता है, जैसे घट बुद्धि कहते हैं ना, घट बुद्धि, जैसे मुझे घट बुद्धिमान भवामी, घट प्रमावान भवामी है ना, तो घट प्रमा को नैयायिक लोग बुद्धि कह देते हैं ना सर। हाँ, उनके लिए तो बुद्धि ज्ञान एक ही सब चीज, एक बुद्धि है ना, वो तो एक ही है, सर्व व्यवहार इनके यहाँ क्या बुद्धि जी, वो मन ज्ञान जब तक रो है जी जी, जब तक मनस का मनस की भूमिका है ना, तब तक संदेह में है ना सर, और जब बुद्धि होती है तो निश्चय हो जाता है, निश्चित हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, उसके बाद बोध होता है, उसके बाद बोध, और बोध वो मनस समर्पित करती है ना उसको, बुद्धि बोध। अब ये जो पंक्ति है ना निम्नली जी, वो अब त्रिशोहम अंधोहम इत्यादयश्च प्रयोगा असत्यपि असत्य असत्यपि आरोपे कथंचित मंचाक्रोशन्ति इत्यादिवत औपचारिका। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो वो पूर्व पक्षी है ना, वो ये कह रहा है कि जो फिर भी बुद्धि मन तक पहुंच गई बात की हम का आलंबन नहीं, लेकिन जो फिर भी हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं अंधा हूं, ये जो प्रयोग कर रहे हैं इसको वो गौण प्रयोग मान रहे हैं। गौण प्रयोग का मतलब यहां पर ये है कि गौण प्रयोग तब होता है जब जैसे सिंह मांडवक या अग्नि मांडवक हम जो प्रयोग करते हैं ये गौण प्रयोग। अग्नि और मांडवक जब में मुझे भेद ज्ञान है, अग्नि और मांडवक में भेद ज्ञान होने पर ही गौण प्रयोग हो सकता है। और अग्नि मांडवक और सिंह में भेद ज्ञान होने पर भी मुझे कहता कि सिंह मांडवक का प्रयोग मैं कर सकता हूं। इसी प्रकार यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो कृशोहम इत्यादि है ये जो गौण प्रयोग है, यानी पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये गौण प्रयोग से काम चल जाएगा, वो भ्रांति नहीं मान रहा, सिद्धांती भ्रांति मानता है, आत्मा का शरीर का जो एकत्व है वो सिद्धांती भ्रांति मानता है, गौण प्रयोग नहीं मानता। अब कृशोहम अंधोहम इत्यादेश प्रयोगा असत्यारोपे कथंचित, असत्यारोपे का कल्पतरु में जो व्याख्या की है वो ये की है असत्यपि आरोपिते अभेदे, आरोपित अभेद के नहीं होने पर भी, इसका मतलब है अभेद के नहीं होने पर भी का मतलब है भेद ज्ञान होने पर, कि मेरा शरीर से और इंद्रिय से मुझे भेद ज्ञान है, समझ रहे हैं इस बात को, मुझे यानी अहम को मुझको मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, ये भेद ज्ञान है। जब भी मैं ये कहता हूं कि मैं कृश हूं और मैं अंधा हूं तो मैं ये गौण रूप से इसका प्रयोग कर रहा हूं। कैसे गौण रूप से प्रयोग कर रहा हूं, जैसे कि मंचा क्रोशंति में मंच का और मंच पर बैठे हुए व्यक्तियों का मुझे भेद ज्ञान है, फिर
फिर भी मैं मंचक रोशन थी गौण प्रयोग कर रहा हूं। दोनों का भेद ज्ञान होने पर गौण प्रयोग हो सकता है। तो पूर्व पक्षी वहां पर यह कह रहा है कि यहां पर अहम का जो अहम का आलंबन जो है, उस अहम के आलंबन का शरीर और इंद्रिय से भेद है, फिर भी कथनचित उसको गौण गौण प्रयोग करके मैं कह रहा हूं कि मैं कृष हूं, मैं अंधा हूं इत्यादि। तो ये गौण प्रयोग मान करके ऐसे प्रयोग वो यूज कर रहा है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है और आगे चलकर ये आर्गुमेंट आएगी भी। पूर्व पक्षी इसको मतलब अहम के आलंबन और शरीर मन बुद्धि इन सब में भेद मानते हुए भी, जब वो ये कहता है कि मैं मूर्ख हूं, तो मूर्ख हूं वो भ्रांति में नहीं कह रहा, वो ये समझता है कि बुद्धि और मैं अलग हूं, फिर भी मैं ये प्रयोग कर रहा हूं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। ये गौण प्रयोग, गौण प्रयोग से वो काम चला रहा है और सिद्धांति भ्रम मान करके बात करता है कि आत्मा का अध्यास होता है। वही बात अध्यास की शुरुआत होगी आगे चल करके। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि कृषो हम कृष अंधो हम इत्यादिश्च प्रयोगा असत्यपि आरोपे कथंचित, किसी प्रकार से मंचा क्रोशंति इत्यादिवत औपचारिका, ये औपचारिक प्रयोग हैं, गौण प्रयोग हैं, भ्रांति जनित प्रयोग नहीं है। दोनों में मुझे भेद ज्ञान है और फिर मैं गौण मैं प्रयोग कर रहा हूं। जैसे सिंह और मानवक में मुझे भेद ज्ञान है, फिर भी मैं सिंह और मानवक कह रहा हूं। अग्नि मानवक में मुझे भेद ज्ञान है, मैं अग्नि मानवक कह रहा हूं। इसी प्रकार अहम मैं जो हूं, मेरा इंद्रिय से शरीर से मुझे भेद ज्ञान है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं कमजोर हूं और मैं अंधा हूं। इसका मतलब है मैं अपने आप को इंद्रिय मान करके अंधा कह रहा हूं, गौण रूप से, भ्रम से नहीं। असत्यारूपे कथंचित मंचा क्रोशंती इत्यादिवत औपचारिका इति युक्तम उत्पश्यामः। तो तस्माद् इदंकारास्पदेभ्यो देह इंद्रिय मनोबुद्धि विषयव्यो व्यावृत्त। इदंकार के आलंबन जो देह इंद्रिय मनोबुद्धि और विषय हैं, उनसे पृथक मैं अहम स्फुटतराहम अनुभव गम्य, स्फुटतर अहम के अनुभव से जाने ज्ञान का विषय बनने वाली आत्मा मैं हूं। स्फुटतर अनुभव गम्य आत्मा मैं हूं। मैं ये मुझे अपना अनुभव बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, इसलिए संशय अभावात, आत्मा के बारे में मुझे कोई संशय नहीं है, इसलिए आत्मा या ब्रह्म अजिज्ञास्य है, इसलिए शास्त्र आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं। यहीं तक करते हैं आप जी, ठीक है बिमली जी? सत्यमूर्ति? हाँ सर, बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। वो यही जो है ना, अंतिम निष्कर्ष ये देते हैं कि हमें भेदा मतलब हम आम व्यक्ति नहीं है जो अभेद की जो है भ्रांति वश उसको हो रहा। हम जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हम जानते हैं कि इंद्रिय अलग है आत्मा अलग है, फिर भी आत्मा की स्पष्ट प्रतीति तो हमें हो ही रही है ना, इसलिए जिज्ञासा का विषय वो नहीं बन सकता। हाँ, बस बस ये बात है, इसलिए शास्त्र प्रारंभ करने की कोई जरूरत नहीं। ये भूमिका बन रही है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। फिर एक विविक्त तत्व के रूप में आत्मा ऑलरेडी ज्ञात है। हैं? आत्मा विविक्त अस्तित्व के, विविक्त एक शब्द है ना सर, विविक्त। हाँ, एक विविक्त चैतन्य के रूप में आत्मा हमको ज्ञात ही रहता है, इसीलिए ज्ञात में जिज्ञासा नहीं होती है। कुल मिलाकर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही, ये हो गई। जिज्ञासा आरंभ की जरूरत नहीं, ग्रंथारंभ की जरूरत नहीं है, शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। सही बात। इसमें सर मैं एक बात जो ना मुझे जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो समझा है कि ये जितने भी इन्होंने ना शरीर आदि से लेकर के अन्य चीजों का भेद दिखाने के जो तर्क दिए हैं, वो युक्तियां जो है ना वो वेदांत की कम है और न्याय की ज्यादा है। जो वेदांत में अभी तो मैं कह रहा हूँ वो ये जो ये अति सामान्य है वो मतलब क्वेश्चन आंसर में समझा करके पहुंच में ही रहे हैं, वेदांत की स्थिति में पहुंचेंगे।
अभी तो ये भूमिका बना रहे हैं कि अध्यास भाष्य की जरूरत क्या है। जो वेदांत के ग्रंथों में जैसे शंकराचार्य के कुछ ग्रंथों में जो भेद होता है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं, इसके तर्क दिए गए ना, वो इस रूप में ना आके इस रूप में आते हैं कि बाकी सब दृश्य बन जाते हैं और आत्म तत्व तो जो है वो दृक् स्वरूप है, इसलिए वो कभी भी दृश्य नहीं बन सकता है। ये तो सिद्धांती जो समझदार सिद्धांती है ना उसकी तरफ से, अभी तो जो आम आदमी है ना उसकी तरफ से आर्गुमेंट दी जा रहे हैं, वो आम आदमी नैयायिक मान लो आप, उसमें स्पष्ट होना चाहिए, मतलब ये कि पंक्तियां जो है ना स्पष्ट होनी चाहिए, और स्पष्ट होगी तो फिर अपने आप पढ़ते रहेंगे आप लोग।